अध्याय 8 देख रहे हैं स्थानीय शासन। स्थानीय शासन का मतलब होता है अंग्रेजी में लोकल गवर्नमेंट्स। तो स्थानीय शासन आप अभी तक क्या देखते आए हैं, एक तो हम सेंटर के बारे में देखते आए हैं यानी पूरा देश होल कंट्री, और हम देखते आए हैं स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स, स्टेट गवर्नमेंट। अब जब हम स्टेट की बात करते हैं तो आपका भी तो मोहल्ला होगा, आपका भी तो इलाका होगा, हो सकता है आप गांव में रहते हो तो आपका भी गांव है, उसकी देखरेख कौन करेगा। हो सकता है कि आपके घर से जो राजधानी हो, कैपिटल हो स्टेट की, वो 700-800 किलोमीटर दूर हो, कैसे आपका ख्याल रखा जाएगा, कौन देखेगा आपको। तो आपके लिए एक स्थानीय शासन होता है, स्थानीय शासन की एक व्यवस्था है। तो स्थानीय शासन जो है गांव, पहले आपका लेवल, मेरा लेवल, उसके बाद थोड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं, जिला स्तर, उसके शासन को स्थानीय शासन हम लोग कहते हैं। आम आदमी के सबसे नजदीक है क्योंकि आपके जो लोग हैं आपने खुद चुने हो, यहाँ पे आपके पड़ोस में रहते हैं पुंडीर साहब, पुंडीर साहब उन्हीं को आपने पंचों में चुन लिया है, तो आपके पड़ोसी हैं वो। आपके घर में अगर पानी नहीं आ रहा है तो उनके घर में भी पानी नहीं आ रहा है, तो समस्याएं आपकी सेम है, तो आपके बड़े करीब और नजदीक हैं। इसमें जनता की प्रतिनिधि की समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से होता है क्योंकि आप, मैंने जैसे बताया, आपके बगल में ही है उनकी, आपकी समस्या उनकी समस्या, और कम खर्च होता है क्योंकि लोग आपस में निपट लेते हैं, जो सरकार धनराशि देती है या जो अनुदान देती है उसको यूज करके और अपने रिसोर्सेज यूज करके, तो थोड़ा आसानी से और कम खर्चे से हो जाता है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोकतंत्र से हम क्या समझते थे कि भाई सबकी भागीदारी हो, सबकी जवाबदेही ना हो। ये नहीं कि बस आपने वोट कर दिया और आप फिर सो जाए 5 साल के लिए। आपने वोट किया, वोट करने के बाद आपको ये भी देखना है कि वहां आपका, आपकी सरकार ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और आपने जो अपेक्षाएं और आपकी जो एस्पिरेशंस थी वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी आपकी भागीदारी और जवाबदेही दोनों बनती है, आपकी भी एज अ सिटीजन, केवल वोट देना आपका काम नहीं है। तो अगर आप देखें एक स्थानीय शासन, जैसे आपका नगर निगम, आपके, आप अगर नगर में रहते हैं तो आपका वार्ड होगा, किसी वार्ड का, वार्ड का कोई पार्षद होगा, कॉरपोरेटर होगा, तो उसे हम स्थानीय शासन कहते हैं। यानी कि जो पंच हो गए, और जैसे कॉरपोरेटर हो गए, शहर की बात करूँ तो पंच, शहर की बात करूँ तो कॉरपोरेटर हो गए, जिसको हम ये वार्ड मेंबर भी कहते हैं, और अगर आप अपने गाँव में आ जाए तो पंचायत के जो सदस्य होते हैं। तो अगर ये स्ट्रांग हो, जीवंत हो, मजबूत हो, तो इससे क्या होता है कि वाकई में एक लोकतंत्र की परिभाषा गढ़ी जाती है अच्छी वाली, और इसमें सबकी भागीदारी और सब जो उद्देश्य है, सबका कॉमन गोल है कि सबकी जिंदगी अच्छी रहे, खुशनुमा रहे, वो सुनिश्चित होता है। जो काम जो है वो आपके घर के आसपास हो सकते हैं या स्थानीय स्तर पर हो सकते हैं, वो काम स्थानीय लोगों के हाथ में होने चाहिए। अब आपको क्या ये प्राइम मिनिस्टर साहब जानते हैं, आपको जो चीफ मिनिस्टर जानते हैं, कोई नहीं जानता आपको, है ना, लेकिन आपको, आपका, आपके पंच जानते हैं, आप उनको जानते हैं, तो यहाँ पर काम बड़े अच्छे से होता है। तो इसलिए जो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ उस जगह का जो जो एरिया है या वहाँ की जो सरकार है, छोटी सरकार मान लीजिए, वो आप ही लोग को चलाना चाहिए। तो जनता राज्य सरकार और केंद्र राज्य से कहीं ज़्यादा स्थानीय शासन परिचित होती है, क्योंकि जनता उन लोगों को जानती है, उस जगह को जानती है, उस वहाँ के परिवेश को जानती है, वहाँ की समस्याओं को जानती है, और उसका कैसे निदान होगा वो भी जानती है। तो भारत में जो स्थानीय शासन है उसका विकास किस तरीके से हुआ, पहले ऑलरेडी अगर आप किसी भी पुराने कहानी या किसी भी विधा को देखें तो उसमें दिया गया है कि पहले सभा होती थी, हर गांव में एक सभा होती थी। मान लीजिए दो लोगों में लड़ाई हो गई तो बोलो चलो पंचायत में जाके हम लोग फैसला करते हैं, ये चाहते थे। एक बैठक होती थी पीपल के पेड़ के नीचे, यहाँ पर 4-5 लोग, बड़े बड़े जो समझदार लोग बैठ जाते थे, यहाँ बाकी नीचे लोग बैठ जाते थे, और फिर ये अपना पक्ष रखते थे, अपना पक्ष रखते थे, फिर ये सजा देते थे कि भाई तुम तो सड़ी पार किया जाता है, तुमने गलती की है, मतलब यार तुमको वो नहीं मिलेगा, दाना पानी तुम्हारा खत्म किया जाएगा। तो इस तरीके से पहले सभा हुआ करती थी। आज के समय में जो निर्वाचन या निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आया, उस समय इनको मुकामी बोर्ड कहा जाता था। क्या कहता था? लोकल बोर्ड, मुकामी बोर्ड कहा जाता था। फिर 1990 में जो भारत सरकार अधिनियम के बनने के बाद जो अलग अलग प्रांत है उसमें ग्राम पंचायतें बनी, लेकिन उस समय भी कुछ खास वो नहीं हुआ, ग्राम पंचायत बन तो गई, लेकिन जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। इस समय जो पंचायत बन रही थी उनके पास वो ना तो पावर थे ना पैसा था। फिर जो संविधान बना तो स्थानीय शासन को दे दिया गया कि भाई अब स्टेट्स देखेंगे इसको, स्टेट देखेंगे कि एक स्थानीय लेवल पे, एक गांव के लेवल पे या फिर एक ब्लॉक के लेवल पे किस तरीके से सरकार चलाई जाएगी। तो संविधान के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसमें भी इसकी व्याख्या है, चर्चा है। फिर स्वतंत्र भारत हुआ, उसमें
स्थानीय शासन किस समय आगे बढ़ा, तो 73 और 74 अमेंडमेंट हुए, 73वां और 74वां। 73 जो है वो स्थानीय शासन गांव के लिए है, बस ये ध्यान रखना है इस पूरे चैप्टर में, ये चीज आपके अगर आपको क्लियर हो गई तो बाकी सब क्लियर हो जाएगा। 73वां जो संशोधन हुआ है वो गांवों के लिए हुआ है, गांव में जो स्थानीय शासन है, पंचायती राज व्यवस्था जिसे कहते हैं। और 74वां जो है वो शहर के लिए है, जैसे शहर में नगर निगम होते हैं, नगर पालिका होती है। तो संविधान में जो 73वां और 74वां संशोधन हुआ उसके बाद स्थानीय शासन को और मजबूत आधार मिला। इससे पहले 1952 में एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसमें बहुत सारे प्रयास किए गए। और इसके बाद जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है उसके तहत त्रिस्तरीय, तीन स्तर की पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की सिफारिश की गई, और बलवंत समिति थी वो। तो ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश और केंद्रीय सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। जैसे मैंने बताया कि पहले पंचायतें थी, ऐसा नहीं कि पहले, बहुत सालों, डेकेड्स पहले भी, हमारे 100 साल पहले भी सभा थी, लेकिन जब ये वाकई में व्याख्या की गई इसकी यहाँ पर संविधान में, तो फिर ये बनी तो सही लेकिन इनके पास पावर नहीं थे, ना पैसा था ना इनके पास कोई ऐसी पावर थी। ये हमेशा पैसे के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार के सामने हाथ इनके हमेशा खुले रहते थे। तो सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं का दोबारा पुनः अवलोकन हुआ कि भाई अब तो इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, ये स्थानीय शासन को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। फिर 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकाय जो है उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। उन्होंने एक जो एक कमेटी बनी थी, उन्होंने कहा कि देखिए जो संवैधानिक दर्जा है इनको अगर नहीं मिलेगा तब तक स्थानीय शासन जो है आया गया चलता रहेगा। तो इसके बाद क्या हुआ कि 73वां और 74वां संशोधन हुआ, और 1992 में संसद ने ये जो दो अमेंडमेंट्स हैं इनको पारित कर दिया। तो आप फिर से मैं बताता हूँ, 73वां संशोधन गांव विलेज के स्थानीय शासन से जुड़ा है, तो इसका संबंध जो है पूरी तरह पंचायती राज व्यवस्था से है। उसके बाद 74वां संशोधन जो है वो बिल्कुल सेम है 73वां से जैसा, लेकिन ये शहर के बारे में बात करता है, शहर स्थानीय, क्योंकि शहर की एक वो है परिभाषा है कि भाई 5000 से ऊपर लोग होने चाहिए, जो जनसंख्या घनत्व है वो 400 से ज्यादा होना चाहिए पर किलोमीटर, और उसके बाद तीसरी चीज जो आती है 75% से ज्यादा लोग जो है खेती बाड़ी में काम नहीं कर रहे होंगे तब उनको हम शहर कहने लगते हैं, अदरवाइज वो गांव होता है। तो 73वां संशोधन, और जो 73वां संशोधन हुआ उसमें प्रावधान ये थे कि पहले तो त्रिस्तरीय ढांचा है कि थ्री लेवल में जो ढांचा होगा, सबसे शुरुआत होती है ग्राम सभा की, जो एक गांव है, एक या दो गांव मिलके ग्राम सभा बनाते हैं, बहुत छोटे लेवल की होती है। ग्राम सभा में वो हर आदमी होता है जो वहां का आदमी है, वहां का मतदाता अगर वो है तो वहां का वो ग्राम सभा का मेंबर हो जाता है, और फिर ये लोग चुनते हैं ग्राम पंचायत, 5 या 10 लोगों की ग्राम पंचायत चुन लेते हैं। इसी तरीके से बहुत जो ग्राम पंचायत 3-4 मिला लीजिए, उन वो मिला के एक ब्लॉक समिति बन जाती है, और ऐसी बहुत सारी ब्लॉक समिति बना लीजिए तो एक जिला पंचायत बन जाती है। तो चुनाव जो है इसमें पंचायती राज में तीनों स्तरों जो है उसमें चुनाव हम और आप करते हैं, जनता करती है, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, बकायदा इसमें वोटिंग की जाती है। और हर निकाय की अवधि, जो मैंने 3 लेवल के आपको निकाय बनाए, ये हर निकाय की जो अवधि होती है 5 साल की होती है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि महिलाओं के लिए सारी पंचायती राज व्यवस्था, सारी 73वां 74वां जो भी है, शहरी हो चाहे गाँव हो, उसमें 1/3 इनको रिजर्वेशन मिला हुआ, यानी कि 33% महिलाएं आएंगी ही आएंगी। इसके अलावा पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण दिया गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कई ऐसी सरकार है, अगर वहां पर पिछड़े वर्ग ज्यादा है, ओबीसी ज्यादा है, तो उनको आरक्षण उन्होंने दिया है, दे सकती है। अब इस आरक्षण का लाभ यह हो गया कि एक महिला जो कि शेड्यूल कास्ट है वो सरपंच है, और ऐसी बहुत, इसके नंबर अगर बताऊं तो 80,000 से ज्यादा महिला सरपंच है हमारे देश में आज की डेट में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाएं, जिस जो हमारे समाज में चला आ रहा था, जो कि एक बहुत बड़ी हमारे लिए स्टिग्मा था और एक शर्म की बात थी कि महिलाओं को वो हम लोग रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे थे, पेट्रियार्कल हमारी कम्युनिटी थी, हमेशा मेल डोमिनेंट कम्युनिटी थी। अब हर जाति का आदमी, खासतौर पर महिलाएं, उनको अपना जो उनकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है वो मिलने लगी है। तो भारत में अनेक प्रदेशों के जो आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं उनको 73वें संविधान से बाहर रखा गया। देखिए यहाँ पर केवल अनुसूचित जाति की बात आप करेंगे, अनुसूचित जनजाति की बात ना करें, क्यों? क्योंकि 73वें में इनको थोड़ा सा बाहर रखा गया, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि इनके में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो 1996 में
उसको उसको दूर क्यों रखा गया, उसका कारण है, उसका कारण यह है कि जो जनजाति होती है उनका उनका एक ट्राइब होता है, उनका एक कल्चर होता है, और वो नॉर्मली जंगल हो गया, ये जंगल के संसाधन उसके आसपास रहते हैं, और उन्हीं के आसपास आपको मिलेंगे, उनकी सारे कल्चर उससे रिलेटेड होते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 1996 में एक अलग कानून बनाकर पंचायती राज के प्रावधानों को इन क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया। तो हर एक राज्य में एक राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य वित्त आयोग, ये सब बनता है। कैसे, राज्य चुनाव आयुक्त का मतलब ये होता है कि हर एक प्रदेश को ये जरूरी हो जाता है कि वो एक राज्य चुनाव आयुक्त यानी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त करें। अब इस चुनाव आयुक्त का कोई भी लेना देना नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ध्यान रहे, इनका जो हमारा जो सेंट्रल संस्था है जो एमपी और विधायक के चुनाव करवाती है, उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये केवल स्थानीय निकाय के चुनाव कराएंगी। तो ये जो चुनाव आयुक्त है, इसकी जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं को के चुनाव कराने की होगी, यानी कि पंचायत के चुनाव, जिला लेवल के चुनाव, इस तरीके से चुनाव ये कराएंगे। फिर सरकार का ये बन जाता है कि राज्य वित्त आयोग यानी कि नेशनल फाइनेंस कमीशन हर प्रदेश की सरकारों के लिए जरूरी है कि हर 5 साल में वो एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना ही बनाना है, और इस वित्त मतलब पैसा, इस आयोग का जो काम है, ये आयोग प्रदेश में मौजूद जो स्थानीय शायन की संस्थाएं हैं, जितनी भी स्थानीय संस्थाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके पास कितना पैसा है, कितना मिलना चाहिए, कितना उनको ज्यादा मिल गया, कितना उन्होंने खर्च किया, उसकी जानकारी या उनका डिस्ट्रीब्यूशन या उसका प्रबंधन राज्य वित्त आयोग करेगा। अब हम आते हैं 74वां संशोधन। ध्यान रखें ये शहरी स्थानीय शासन के लिए है, शहर उसके लिए है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ शहरी इलाका होता क्या है। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया आपको, एक तो 5000 से ज्यादा जनसंख्या हो, एक इलाका है जिसकी 5000 से ज्यादा जनसंख्या हो, साथ में 75% लोग हैं जो खेती बाड़ी में काम ना कर रहे हो, ध्यान रखिए ना कर रहे हो। इसके बाद अगर 1 किलोमीटर का दायरा ले लें आप, तो 400 से ऊपर लोग रहते हो इसमें, मतलब 400 कम से कम इसकी जनसंख्या घनत्व हो, जिसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ऐसे हर एक जो 74वें में है वो 73वें में भी है, बस वही चीज जो स्थानीय शासन के लिए है यानी कि गांव के लिए, वो शहर के लिए लिख दी गई है। 73वें संशोधन में सभी प्रावधान जो है, प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट चुनाव होगा, आरक्षण के विषयों का हस्तांतरण है, जो चुनाव आयुक्त रखना है, वित्त आयोग बनाना है, वो सब 74 में है। तो 73-74 दोनों बिल्कुल एकदम सेम है, और ये जैसे नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं, बस नगर निगम और नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं 74वां। अब इनका क्रियान्वयन यानी कि इनके एग्जीक्यूशन की बात करें, ये जो संशोधन है, तो इस अवधि में प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव कम से कम 4 से 5 बार हो चुके हैं। मैं ये नंबर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अभी 2020 में चल रहे हैं, तो कई बार चुनाव हो चुके हैं, और स्थानीय निकायों के जो चुनाव हैं उसी कारण जो निर्वाचित जन प्रतिनिधि है उनकी संख्या में निरंतर भारी बढ़ोतरी हुई है, महिलाओं की शक्ति और आत्मविश्वास में भी काफी वृद्धि हुई है। अगर मैं बताऊं तो 32 लाख, आप ये नंबर सुनिए बस, 32 लाख रिप्रेजेंटेटिव हैं स्थानीय शासन में, चाहे वो नगर के हो, चाहे वो पंच हो, गांव की बात कर रहे हैं, ये सारे हमारे अधिकारी हैं अब आपके चुने हुए 32 लाख। जबकि अगर पूरे एमपी, पूरे अब राज्यों के एमएलए मिला लें तो वो भी 5000 से कम आते हैं, लेकिन ये 32 लाख। विषयों का जो हस्तांतरण है या स्थानांतरण है, संविधान के संशोधन में 29 विषय ऐसे है जो स्थानीय शासन के हवाले किए हैं। ये सारे विषय स्थानीय विकास और कल्याण की जरूरतों से संबंधित है, कि जो स्थानीय लेवल पे जो जिस चीज को लाना है या उनकी उनको डेवलपमेंट करना है, वो सब अब स्थानीय शासन के पास है। स्थानीय शासन के विषयों में क्या क्या आता है, ये 11वीं अनुसूची है, 11th लिस्ट, उसके विषय है ये। तो स्थानीय शासन में आता है पानी, पीने का पानी, शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण है, बाजार और मेला है, कृषि है, सिंचाई है, लघु उद्योग है, ग्रामीण विकास है, सड़कें हैं, स्वास्थ्य और परिवार तो है ही, परिवार नियोजन वगैरह। और स्थानीय शासन के सामने समस्याएं भी बहुत है, एक तो उनके पास पैसा नहीं होता, पैसा बहुत कम है, और वित्तीय मदद के लिए वो हमेशा सरकारों के सामने हमेशा कोशिश करते हैं कि मिल जाए पैसा, क्योंकि पैसा कम मिलता है, क्योंकि सरकार के पास खुद ही, स्टेट गवर्नमेंट खुद ही सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगता रहता है, और जनता का जागरूक थोड़ा नहीं है, क्योंकि लोग मानते हैं कि गाँव की बात कर रहे हो आप या फिर छोटे शहरों की बात कर रहे हो, वहां पर तो लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, उन लोगों को आपने बना दिया पंच, उन लोगों को बना दिया आपने कॉरपोरेटर, वो कैसे फैसला लेंगे, ये एक समस्या है। और आय से अधिक खर्च करना, कभी कभी क्या होता है, देखिए जब पैसे कम होते हैं, लोग गरीब होते हैं, तो भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो कई जगह हमने देखा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन हर आदमी नहीं कर रहा है, 99% लोग सही है। तो ये बात हुई इस चैप्टर की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।